हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग गुड। सो कैसे हो आप लोग? मैं हूँ बहुत बढ़िया। एंड आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा हाईक्रॉस एंड मारुति सुजुकी इनविक्टो। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में बहुत हंगामा मचा हुआ है इन दोनों कार्स को लेके। बताया जा रहा है कि मारुति सुजुकी इनविक्टो, जैसे मैं आपको पहली वीडियो में बताया कि कम्प्लीट हाईक्रॉस की कॉपी बनाई गई है, कम्प्लीट पूरा एसयूवी सेगमेंट के अंदर ये दोनों कार्स है। सो हाईक्रॉस की कॉपी बनाई गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि हाईक्रॉस के अंदर कंप्लीट हाईक्रॉस कॉपी है, तो हाईक्रॉस के इनविक्टो के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है जो एक कंप्लीट कॉपी है। गाइस मैं कहता हूँ कि कॉपी है, ठीक है, बट कुछ फीचर्स जो यहाँ पर हाईक्रॉस के अंदर दिए गए टोयोटा हाईक्रॉस के अंदर, वो मारुति सुजुकी इनविक्टो के अंदर है ही नहीं। और वो फीचर्स की बहुत मतलब इम्पोर्टेंट फीचर है, 5 इम्पोर्टेंट फीचर्स है जिसका मार्केट में जिक्र नहीं कर रहे लोग, पर ये है कि वो फीचर्स इंपॉर्टेंट है गाइस। सो इस वीडियो में आपको वही शेयर करने वाला हूँ कि मारुति सुजुकी इनविक्टो के अंदर कौन से फीचर्स नहीं है जो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के अंदर है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ADAS की। सो ADAS फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द ADAS गाइस। सेफ्टी के अंदर ADAS आजकल SUVs के अंदर बहुत कॉमन फीचर दिया गया आजकल, क्योंकि हाँ अगर हम मारुति सुजुकी की तरफ से बात करते हैं तो फर्स्ट फीचर दिया गया है सेफ्टी का, तो यहाँ पर वो मिसिंग है। सो गाइस टोयोटा हाईक्रॉस का ADAS सूट कंसिस्ट करता है फीचर्स के, जैसे कि कीपिंग असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग। सो ये सारे फीचर्स कंप्लीट एंटायर सूट कंप्लीट स्किप किया गया है इनविक्टो के अंदर, जैसे कि देखा जा रहा है। सो गाइस सेकंड फीचर की बात करते हैं, डेट इज स्किप्ड बाय द ऑटोमन सीट्स। सो जनरली हाईक्रॉस के अंदर 7 सीटर है एंड इनविक्टो भी 7 सीटर है। सो यहाँ पर मिडल रो के अंदर आपको ऑटोमन सीट्स मिल जाती है, जैसे कि आप इमेज के अंदर देख रहे हो। सो कंफर्टेबल सीट्स होती है ये कम्प्लीटली, जो कि सेकेंड रो एसेंशियली कर देती है एज अ बेड। सो ये इनविक्टो के अंदर अट्रैक्ट हो सकता था ये फीचर अगर डाल देती। सो अगर कोई ड्राइवर कार चलाता है तो पीछे अगर ओनर बैठता है तो वो कम्प्लीटली रिलैक्सेबल बैठ सकता है आराम से अंदर। सो ये फीचर इसमें नहीं मिलता है, मारुति को ऐड करना चाहिए था ये फीचर। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जाता, कॉस्ट कटिंग करी है मारुति ने यहाँ पर इनविक्टो के साथ। सो गाइस अब बात करते हैं एलॉय व्हील्स की। सो हाईक्रॉस के अंदर आपको 18 इंच के अलॉय मिलते हैं, जो कि SUV के हिसाब से MPV के हिसाब से परफेक्ट है। एंड यहीं पर ही आपको इनविक्टो में देखा जाता है कि 17 इंच के रिम्स मिलते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइज किया गया है और जिससे कि लुक में बहुत असर पड़ता है। एंड पॉजिटिव साइड देखी जाए तो यहाँ पर ड्यूअल टोन की आपको यूनिट मिलती है, जो कि एक प्रीमियम लुक देती है MPV को। सो हाईक्रॉस के अंदर यहाँ पर आपको, इफ़ यू डोंट वांट टू गो अ हाइब्रिड पावर ट्रेन, हाईक्रॉस आपको ऑफर करता है 174 का पावर विद 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन डैट इज़ पेयर्ड विद अ CVT। सो वी फील लाइक यू नो मारुति को यहाँ पर ऑफर करना चाहिए था एंट्री लेवल इंजन, सो यहाँ पर और ऑप्शंस मिल सकते थे बायर्स को। बात करी जाए अगर इसके वेरिएंट ऑप्शंस की, सो दोनों में आपको इनविक्टो के अंदर 2 ही वेरिएंट मिलता है, डेट इज जेटा प्लस एंड अल्फा प्लस। बट अगर देखा जाए हाईक्रॉस के अंदर, इनोवा हाईक्रॉस के अंदर आपको 6 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, डेट इज GS, LF, GX, VX, VX ऑप्शन एंड ZX एंड ZX ऑप्शनल। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट 2 वेरिएंट मिलते हैं हाईक्रॉस के अंदर, दे आर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, एंड लास्ट 4 आपको मिलते हैं हाइब्रिड्स। सो अगर यहाँ पर मारुति सुजुकी इनविक्टो कुछ ऐसे वेरिएंट्स और एक्स्ट्रा दे सकती थी, यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी। अब देखो, अब क्या पता आगे लॉन्च कर दे CNG वेरिएंट्स भी इसके अंदर, कुछ कह नहीं सकते, मारुति वाले आजकल कुछ भी कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं तो वो भी लॉन्च करते हैं तो यहाँ पर बायर्स को और ऑप्शंस मिल सकते थे, वो और वेरिएंट्स में से चूज़ कर लेते, पर यहाँ पर यही दिए गए फिलहाल 2 वेरिएंट्स। सो अगर प्राइस रेंज की बात करी जाए दोनों की, सो अगर देखा जाए मारुति इनविक्टो कहाँ पर ऊपर आती है इनोवा हाईक्रॉस के, सो प्राइस रेंज के अंदर मारुति इनविक्टो यहाँ पर हाईक्रॉस को ओवरकम कर देती है। डैट पर इनविक्टो का जो प्राइस रहने वाला है, डैट इज़ 24.78 लाख टू 28.42 लाख एक्स शोरूम। सो ये था दोनों कार्स का लाइक एक कंपैरिजन ही था एक कम्प्लीटली, जो मैंने आपको दिया निकाल के। सो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, एंड वीडियो को शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में गाइस, टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बाय बाय।